दोस्तों राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बिहार दरोगा मेंस के एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर और बिहार दरोगा प्री जो जिसकी परीक्षा जो कि आपको जून और जुलाई में फॉर्म निकलेगी और माना जाए तो अक्टूबर नवंबर या इलेक्शन के बाद जो कि आपको प्री की परीक्षा होगी उसकी तैयारी के लिए आप सेट बना सकते हैं। तो क्या आप इस प्रैक्टिस सेट के लिए पूरी तरह तैयार है? 50 क्वेश्चन रहेंगे, ये सॉरी 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपको फुल डिस्कशन के साथ है कि आपको इसमें मैथ्स भी रहेंगे और आपके करेंट अफेयर सारे रहेंगे। तो ये 10वां सेट है, 9 सेट का पहले जारी कर दिया जा चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो आपको इसमें से चुनना है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा प्रभावित नहीं था? तो एक का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा चित्तौड़, जो कि बिल्कुल प्रभावित नहीं था। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में प्रमुख केंद्र झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह तथा लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। फिर है दूसरा क्वेश्चन, मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन होगा, महापद्मनंद हो जाएगा। तो मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्मानंद ने किया था। यह नंद वंश का क्या था, संस्थापक था। पुराने में उसे क्या कहा जाता है, पुराण में तो कली या वंश, इसको सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला सर्वक्षत्रांतक। दूसरा परशुराम का अवतार, एक छत्र पृथ्वी का राजा, एक राठ, अनुल्लंघनीय शासक आदि उपाधि, मतलब बहुत सारे उपाधियों से महापद्मनंद को सम्मानित किया गया है। उसके बाद विश्व में निम्न भाषाओं में से किस एक भाषा को बोलने वाले सर्वाधिक व्यक्ति हैं? तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बंगाली, ये चारों ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बंगाली। तो विश्व में चीनी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक कितनी है, 1.30 अरब। चीनी भाषा की 6 बोलियां हैं जिनमें मंडारिन, कैंटनी, कोंकणी आदि प्रमुख है। विकल्प में दी गई भाषाओं के बोलने की संख्या इस प्रकार है, तो कौन कौन है, बंगाली है जो कि 21.5 करोड़, पुर्तगाली 19.4 करोड़, फ्रांसीसी 12.9 करोड़ और जापानी 12.6 करोड़। उसके बाद आते हैं चौथा, निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई है जो कि अधिकतम है? तो क्या हो जाएगा इसका, बेंगलुरु हो जाएगा। तो ऊंचाई के अनुसार विकल्प में दिए गए नगरों का क्रम में कौन सा हो जाएगा, बेंगलुरु 949 मीटर, नागपुर है जो कि 275 मीटर, दिल्ली 269 मीटर, जोधपुर 263.5। आता बेंगलुरु की ऊंचाई समुद्र तल से अधिकतम है। उसके बाद आते हैं भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो पांच का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कोचीन में है, तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में। इस यार्ड में क्या है, आपको 1,00,000 TWT आकार के जहाजों के निर्माण तथा 1,25,000 TWT आकार के जहाजों की मरम्मत की सुविधा इसमें उपलब्ध है। उसके बाद है विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, किसको दिया गया है? तो 6 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा संसद को दिया गया है। तो संसद है जो कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और अधिकारिता में वृद्धि इसके कर सकती है और लेकिन इसे कम नहीं कर सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित में उच्च न्यायालयों में से किसका एक क्षेत्राधिकार है? तो 7 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कलकत्ता हो जाएगा। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1862 में किया था। इसका न्यायालय का खंडपीठ कहाँ, पोर्ट ब्लेयर में है। उसके बाद है पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो 8 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा फोटोसिंथेसिस कहलाती है। पौधों में जल, सूर्य प्रकाश, वर्णरी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र खिलाड़ी कौन है, तो 9 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को कर दिया गया था। तो यह पुरस्कार 4 फरवरी 2014 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन आयोजित समारोह में प्रदान किया था। भारत रत्न के अलावा सचिन तेंदुलकर कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, तो 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1999 में पद्म श्री, 2001 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है सचिन तेंदुलकर को। शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, तो 10 तक खुद शेरशाह ने करवाया था। तो शेर शाह का मकबरा खुद किया, ये कहाँ पर स्थित है, तो सासाराम में स्थित है, पटना से 194 किलोमीटर दूर दिल्ली कोलकाता मार्ग पर स्थित है। यह मध्यकालीन भव्य इमारतों में से क्या है, एक है। उसके बाद आते हैं 11, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय कहाँ स्थित है, तो क्या है, लुसाने में स्थित है। और ये कहाँ है, तो
स्विट्जरलैंड में उसकी स्थापना, ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देना, और ओलंपिक आंदोलन के नेतृत्व के उद्देश्य 23 जून 1884 को किया गया था। फिर 12वां क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्य में कौन सा भूटान के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? तो 12 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा असम करता है। असम राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा 267 किलोमीटर साझा करता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर और सिक्किम 32 किलोमीटर लंबी सीमा भूटान के साथ साझा करता है। ये पूरी जानकारी आपको एक एक क्वेश्चन में दिया जा रहा है। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो 13 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा सूरत को कहा जाता था। सूरत खंबात की खाड़ी में ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। कहा जाता है कि 1516 ईस्वी के एक हिंदू ब्राह्मण गोपी ने इसे बसाया था। 1514 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री दुआर्ते बारबोसा ने सूरत का वर्णन एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में किया है। पुर्तगाली ने सूरत को 2 बार जला दिया था। उसके बाद आते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए अपनी गद्दी अपना रोजगार योजना शुरू की है? तो 14 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पंजाब ने किया है। ये कब किया था, तो 25 जुलाई 2017 को ही किया था इस। और क्या है, अपनी गति अपना रोजगार योजना लॉन्च किया था। यह योजना उबर के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर 100 उबर मोटोबाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। उसके बाद आते हैं 15, भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों का कौन सा क्रम सही है? तो 15 का क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में बी हो जाएगा, राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री या मुख्य चुनाव आयुक्त, ये सही क्रम है। उसके बाद आते हैं अगला 16, निम्नलिखित आईआईटी संस्थान में किसने एक कम लागत वाले गंदगी डिटेक्टर का आविष्कार किया, जो किसी जगह पर सफाई करने की आवश्यकता होने पर अधिकारी को चेतावनी देता है? तो क्या हो जाएगा 16 का, डी हो जाएगा, आईआईटी खड़गपुर ने किया है। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कम लागत वाला डस्ट डिटेक्टर, गंदगी डिटेक्टर को विकसित किया। यह किसी स्थान पर गंदगी होने पर ऑनलाइन अलर्ट भेजता है। स्मार्ट हाइजीन मॉनिटर सेंसर के माध्यम से अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक और कणों का स्तर दर्ज करता है, और जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्ति को ऑनलाइन अलर्ट भेजता है। भारत के राष्ट्रपति विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा, तो डी हो जाएगा, वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, पूछा जाता है 280 के अंतर्गत। संघ राज के बीच बदलते वित्तीय संबंधों का आकलन तथा संशोधन का सुझाव है, जो कि राष्ट्रपति देता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वित्त आयोग हो जाएगा। फिर 18, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है? तो क्या हो जाएगा 18 का, तो 18 का आपको डी हो जाएगा, इनमें से सभी वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, तीनों हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 19, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरा स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है, तो 19 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन को। तो विश्व व्यापार संगठन है जो कि आर्थिक सहयोग का तीसरा स्तंभ माना जाता है। इसकी स्थापना इसके पूर्ववर्ती गैट का उरुग्वे चक्र के परिणाम स्वरूप हुआ। उसके बाद आते हैं 2019 तक के जो कि 164 राज्य जो कि डब्ल्यूटीओ के सदस्य थे। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका पढ़ सकते हैं ऑप्शन से भी, तो उत्तराखंड हो जाएगा। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी उत्तराखंड में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, तो 2390 वर्ग किलोमीटर है। यह उद्यान शंकुधारी वनों की सुंदरता और हिमनदों की दुनिया की विविधता के साथ हरे भरे घास के मैदान का संयुक्त रूप है। फिर मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो किसे शामिल नहीं किया गया है, तो डी हो जाएगा, 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। तो मिलेनियम विकास दर का 8 लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कौन कौन है थोड़ा सुन लें इसको भी, तो गहन गरीबी एवं भूख उन्मूलन, दूसरा है सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्ति, तीसरा लिंग समानता को प्रोत्साहन एवं महिला अधिकार, चौथा शिशु मृत्यु दर में कमी, पांचवा मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार, छठा एड्स मलेरिया एवं अन्य रोगों की रोकथाम, सातवा पर्यावरणीय स्थायित्व और सातवा विकास के लिए वैश्विक सहयोग का सुदृढ़ीकरण। उसके बाद है आपको 22, स्तंभ में महादेव मंदिर निम्न राज्य में से कहाँ स्थित है? तो 22 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गुजरात में। गुजरात में कहाँ है, तो ये काबिल के गुजरात के भरूच जिले के जंबूसर तहसील का एक गांव है। मानचित्र में इस गांव की स्थिति खंबात खाड़ी के सामने की ओर है। समुद्र के किनारे स्थित इस गांव में स्तंभेश्वर महादेव का मंदिर है। उसके बाद है भीमबेटका रॉक आश्रय पौराणिक स्थल काल के पुरातात्विक स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है?
तो 23 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अभी मेडिका और रायसेन जिला में स्थित है, पूरा पासनिक आवासीय पूरा स्थल है, यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। फिर है विश्व में शांति और आपसी सहयोग से स्थापित करने नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो 24 का क्या हो जाएगा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भी प्रस्तुत किया था, इसमें क्या था, पंचशील सिद्धांत में किया था इसमें इन्होंने। उसके बाद सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो 25 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, महात्मा गांधी ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्होंने एंड टू द लास्ट का गुजराती अनुवाद 1908 कर उसका नाम सर्वोदय रखा था। उसके बाद है 26, निम्नलिखित में से किस एक समिति ने हाल ही में भारत में मध्यस्थता तंत्र के संस्थागत करण पर रिपोर्ट जमा की है, तो 26 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी एन कृष्ण श्री कृष्ण समिति है जो कि किया गया है इसको। उसके बाद 27, पूना समझौते का उद्देश्य था क्या था, पूना समझौते का उद्देश्य तो बी हो जाएगा, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। तो पूना समझौता कब हुआ था, 20 अगस्त 1972 किनके बीच हुआ था, पूछा गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच हुआ था। उसके बाद है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, तो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना। तो लॉर्ड इरविन जो 1926-21 के शासन काल था इनका, वायसराय काल में 1927 में बटलर समिति का गठन देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत सरकार के संबंधों की जांच करने और उनके भी शांतिपूर्ण संबंधों की स्थापना के लिए सुझाव देने के उद्देश्य इसका किया गया था। उसके बाद है चिमिनी वन्य जीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में है, तो ये हो जाए केरला में स्थित है, किस जिले में है, तो त्रिशूर जिले के मुकुंदपुरम तालुक में पश्चिमी घाट पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1984 में स्थापित लगभग 85.067 किलोमीटर क्षेत्र के साथ अभयारण्य नेलियापाथी पहाड़ियों की ढलान पर है, अभयारण्य में सर्वोच्च शिखर पुंडे शिखर 1116 मीटर ऊंचा है। उसके बाद है जो कि आपको निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी, तो किसने किया था, तो बी हो जाएगा चंद्रगुप्त ने किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था, यूनानी लेखक जस्टिन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सेना को उपहार समस्त भारत को रौन डाला था। चंद्रगुप्त मौर्य को दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ इसमें मिलता है, तो अहनामूर और मुरना मुरु तथा अशोक के अभिलेखों से मिलता है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम क्या था, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, सी हो जाएगा। और 1921 में तीन प्रमुख प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर है जो कि इंपीरियल बैंक की स्थापना किया गया था। 1959 ईस्वी में 8 क्षेत्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत करके स्टेट बैंक के सहायक का दर्जा दिया गया था। फिर गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, श्रीगुप्त को, डी हो जाएगा। कब से कब तक इनका शासन था, श्रीगुप्त का बहुत लंबा था, तो 240 से 280 ईस्वी में। इस साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, कटोचकज, ये भी है जो कि 40 हजार 280 से 320 ईस्वी था। भूकंप का कारण क्या है, तो भूकंप का कारण 33 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सिम हो जाएगा। तो भूकंप का कारण क्या है, टेक्नोसिम, जिसको प्लेट विवर्तन की कहते हैं। भूकंप के प्रमुख कारण निम्नांकित है, ज्वालामुखी क्रिया, भू संतुलन से संबंधित समायोजन, प्लेटों की गतिशीलता और भी है बलन तथा सरण। उसके बाद है 34, भारत की संसद ने पर्यावरण बिल है जो कि किस वर्ष जो कि पारित किया था, तो 34 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1986, कब 1986 किया गया था, पर्यावरण संरक्षण बिल संसद में, तो 19 नवंबर 1986 को लागू किया। इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं जिनमें 4 अध्याय में बांटा गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है, वातावरण में घातक रसायनों के अधिकता को नियंत्रित करना और एवं पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना। एक पिन इन विभिन्न तरीकों से 3 मीटर की दूरी तक की सकता सबसे अधिक कार्य किस मामले में होगा, तो इसमें होगा 35 का आपको बी हो जाएगा, जब ऊर्ध्व दिशा में ऊपर उठाया जाता है। उसके बाद है 36, एक कार सीधी सड़क पर एक ही गति से जा रही है तब क्या होगा, 36 का बी हो जाएगा, कार पर किया गया काम 0 के बराबर है। उसके बाद आते हैं, एक उड़ने वाली हवाई जहाज में होता है तो क्या होता है, 37 का सी हो जाएगा, स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा। क्यों होगा, किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आती है उसे ही क्या कहते हैं, वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं, और हवाई जहाज में दोनों होगा।
उसके बाद है तापमान के बढ़ने पर पदार्थ की सघनता समानता क्या होती है, तो आर्थिक का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, घटता है, हो जाएगा। संवेग क्या है, कैसी राशि है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो 39 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक सदिश मात्रा है। और यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत है तो बल और समय अंतराल के क्रमफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। एक लंबी कूद वाला खिलाड़ी कूदने से पहले दौड़ता है, क्यों दौड़ता है, तो 40 का डी हो जाएगा, वह गति पकड़ता है, और जिससे कूदने के पूर्व क्या होता है, एक तेज गति मिल जाती है जिसके फलस्वरूप वह लंबे प्रयास की दूरी कूद कर तय कर लेता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, जब पानी को 0 डिग्री सी से ऊपर गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा, तो 41 का क्या होगा, बी हो जाएगा, वही बना रहेगा, क्यों होगा, तो इसका आयतन क्या 4 डिग्री सी तक कम होता है, 85 बढ़ता है। 42, एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा किस में बदलता है, तो 42 का बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में जो कि बदलता है। पीवी सेल पीवी मॉडलों के भीतर का सबसे छोटा सेमी कंडक्टर तत्व तो होता है जो सूर्य से रोशनी लेकर उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, 43, इनमें से किन क्रियाकलाप से एक चुंबकत्व है जो कि अपना चुंबक खो देता है, ए बी सी ऑप्शन है, पीटने गर्म करने से, बक्से में रखने से, तो क्या हो जाएगा, 43 का ए हो जाएगा, ए और बी, पीटने और गर्म करने से जो कि चुंबक खत्म हो जाता है। ये चुंबकीय पदार्थ अणु पदार्थ के भीतर भिन्न भिन्न ज्यामितीय आकार बनाकर रहते हैं जिस कारण ये चुंबक जैसा व्यवहार करते हैं, कई टुकड़े करने पर भी इनके चुंबक बना रहता है, ठोकने पीटने अथवा गर्म करने पर अणु चुंबक अव्यवस्थित हो जाने के कारण चुंबक गुण है जो कि खो देते हैं। दो सूक्ष्म जीव जो सामान्य तौर पर नवोदित से अस्वाभाविक पुनरुत्थान करते हैं कौन होगा, तो 44 का बी हो जाएगा, हाइड्रा और खमीर हो जाएगा, हाइड्रा और खमीर ही है जो कि दो सूक्ष्म जीव है। अमीबा और परिवेश अपना प्रथम अलैंगिक प्रजनन विधि के द्वारा करते हैं, उसे द्विविघटन कहते हैं। 45, किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की जांच के लिए हम थोड़े से पानी में एक छोटे सैंपल को मिलाकर कॉपर सल्फेट की 2-3 बूंदे डाल देते हैं, इस तरह हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की 10 बूंदे डाल देते हैं, मिश्रण में कौन सा रंग है जो कि प्रोटीन की मौजूदगी बताता है, तो कौन सा हो जाएगा, 45 का आपको डी हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा, क्यों होगा, भोजन है जो कि प्रोटीन टेस्ट के लिए ब्यूरेट टेस्ट किया जाता है, ब्यूरेट घोल एक नीले रंग का होता है जो प्रोटीन के साथ प्रतिक्रिया कर बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाता है। फिर क्या, 46, इनमें से कौन सी गैसें एसिड रेन नहीं बनाती है, तो 46 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि नहीं बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। शरीर में आपका कहाँ ट्राइक्यूपिड तत्व वाल्व और मिट्रल वाल्व मिल सकते हैं, 47 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हृदय में, तो शरीर में हृदय पर ट्राइक्यूपिड तत्व वाल्व और मिट्रल वाल्व मिलते हैं। हृदय अनैच्छिक मांसपेशियों का बना हुआ अवयव है जो डायफ्राम के ऊपर दोनों फुसफुसों के बीच वृक्ष गुहा में स्थित होता है। शरीर में रुधिर परिसंचरण हृदय की पंप की क्रिया द्वारा संपन्न होता है। 48, तांबे की एक गोलाकार डिस्क के बीच में एक सममित छिद्र है, यह डिस्क एक समान रूप से गर्म होते छिद्र का व्यास घटेगा कि बढ़ेगा कि वही बना रहेगा, ये ऑप्शन है, और बारिश का क्या होगा, ये हो जाएगा, बढ़ेगा। तांबे के डिस्क को गर्म करने पर उसमें क्या होता है, तापीय प्रसार होने के फलस्वरूप उसके बीच स्थित छिद्र का व्यास बढ़ जाएगा। फिर किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सी तक बढ़ाने के लिए अपेक्षित गर्मी की मात्रा को क्या कहा जाता है, 49 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, थर्मल क्षमता कहा जाता है। जबकि किसी तापमान पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की गुप्त ऊष्मा तथा पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री से बढ़ाने पर हेतु आवश्यक ऊष्मा क्या कहा जाता है, विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। फिर आहार नली का वह भाग जो अपृत से पित्त रस लेता है और पित्ताशय में जमा करता है वह कौन सा अंग है, तो 50 का क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा, और छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, आहार नाल के इसी भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई कितनी मीटर होती है, तो 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। रतौंधी जब होती है तो क्या होता है, 51 का डी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी होती है, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, रतौंधी, आंखों का शुष्क होना, कॉर्निया में श्वेत फुलने पड़ना तथा दृष्टि का समाप्त होना इत्यादि रोग भी होता है। 52, इनमें से कौन कुचालक नहीं है, तो कौन मतलब सुचालक कौन है इसमें से, तो 52 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ग्रेफाइट है जो कि आपको कुचालक नहीं है। रेयॉन पूर्ण जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है, सॉरी ग्रेफाइट कार्बन का क्या है, अत्यंत उपयोगी क्रिस्टलीय प्रूफ है, ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस प्रकार ग्रेफाइट एक अच्छा सुचालक है।
इनमें से कौन एक पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है, तो कौन है, सियान नहीं है, त्रिपन का सी हो जाएगा। तो बताया सेलुलोज से निर्मित क्या है, तंतु फाइबर है। ये 54, इनमें से असंगत की पहचान करें तो क्या हो जाएगा इसमें, 54 का, तो 54 का सी है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक रासायनिक का, इसका रासायनिक शब्द SO2 है। यह तीव्र गंध युक्त तीक्ष्ण विषैली गैस है जो कई तरह के औद्योगिक प्रक्रियाओं में तथा ज्वालामुखियों द्वारा छोड़ी जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है, रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यावश्यक है। मीथेन गैस क्या है, जो प्राकृतिक रूप से सब जीवों के लिए विघटन से प्राप्त होता है। ओजोन गैस जो वायुमंडल के ऊपरी परत में पाई जाती है, जीवों की सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। फिर इनमें से कौन से पौधे अधिकतर तने काटने से बढ़ते हैं, तो 55 का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा गुलाब, गन्ना और आलू। अधिकतर तने काटने से क्या होता है, बढ़ते हैं, जो कि पालक, कड़ी पत्ता, गाजर, धनिया, बैंगन, तुलसी, पेटूनिया, करोंग, संलग्न आदि के पौधे तने को अधिकतर काटने से नहीं बढ़ता है। फिर SI प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा की इकाएं क्या होती है, तो 56 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा जूल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 57, दो असमान द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा दर्शाते, तो अधिक भार वाले द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, 57 का आपको बी हो जाएगा, कम गति होगा। क्यों होगा, गतिज ऊर्जा क्या होता है, सूत्र ½ mv इस बार m क्या है, द्रव्यमान v वेग हो जाएगा। अर्थात दो वस्तुओं के समान गतिज ऊर्जा होने पर ज्यादा भार वाले का द्रव्यमान की गति कम होगी। फिर एक मोटर कार की गति 6 गुना अधिक होती तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 58 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 36 गुना कैसे हो जाएगा। गतिज ऊर्जा बराबर बताया ½ mv² है, तो 6 v² क्या हो जाएगा, 36 v² मतलब 36 गुना गतिज भी बढ़ जाएगा। उसके बाद है 59, एक ट्रक और एक समतल सबको ऐसे जा रहे हैं जैसे उनके साथ जुड़ा गतिज ऊर्जा समान है, इन दोनों में बारी बारी से ब्रेक लगाया जा रहा है, इसके रुकने से पहले कौन अधिक दूरी तय करेगा, तो 59 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कार है जो कि करेगा। उसके बाद है जो कि प्रोसीजर की क्लॉट रेट में मापी जाती है, किसमें मापी जाती है, 60 का सी हो जाएगा, मेगा या गीगा हर्ट्ज में। तो सीपीयू को क्लॉक स्पीड या क्लॉक रेट समानता मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। सीपीयू की क्लॉक स्पीड रेट बताती है सीपीयू प्रति सेकंड कितने क्लॉक साइकिल्स को निष्पादित कर सकता है। उसके बाद है जो कि आपको 61 नंबर है, क्या दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात प्रथम सफल जो कि सत्याग्रह है जो कि आरंभ कहाँ किया था, ये बहुत आसान क्वेश्चन, तो कहाँ किया था, सत्याग्रह जो है सबसे पहले चंपारण में किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चंपारण। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं, तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के तहत नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय बागान मालिक द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिसमें उन्हें सफलता मिली थी। आंदोलन इसी आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। फिर आपको कौन सा ग्रंथ गुप्त काल के कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समतुल्य तुल्य है, तो 62 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कामंडक का नीति सार समतुल्य। इसकी रचना समर्थक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय इसके प्रधानमंत्री शिखर ने किया था। उसके बाद इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं मिला पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना एचिसन के इसका संबंध है, 63 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, खिलाफत और असहयोग आंदोलन में जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्णिम दौर कहा जाता है। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति थी। फिर 1935 के भारत सरकार अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन एक वैशिष्ट युक्ति नहीं है, तो 64 का क्या ये हो जाएगा, केंद्र के साथ राज्यों में द्वैध शासन, तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया गया था। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है, बहुत आसान क्वेश्चन है, चंबल परियोजना का हो जाएगा। और इस परियोजना के अन्य प्रमुख बांध कौन है, राधा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, यह परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। फिर 66, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रांत है जो बड़ी संख्या में कम राज्यों को जो की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो कौन हो जाएगा, ये 66 का डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है, जो कि 9 राज्य उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा हिमालय हिमाचल प्रदेश से जो कि सटा हुआ है। भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की अधिकतम लंबाई किस देश की है, तो 67 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बांग्लादेश। कितनी है बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा, तो 4,096.7
किलोमीटर, चीन के साथ कितने 3488, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, और भूटान के साथ सबसे कम 699 किलोमीटर। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया था तो 68 का सीओ जगह BN राव को किया गया था। BN राव को समिति, उप समिति तथा संविधान सभा की सहायता से संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान का प्रारूप निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। प्रथम भारतीय राज्य से मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमर्त कुमार सेन से दिल्ली में इसका विमोचन कराया था। तो कौन था, 69 का सीओ जगह मध्य प्रदेश था, पहला राज्य था ये मानव विकास तैयार रिपोर्ट करने वाला। फिर बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लगा था, 17 सी जगह 1995 में 7 दिनों के लिए लगा था, और ये कब लगा था तो 28 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 तक लागू हुआ रहा। इसमें राज्यपाल कौन थे, यार की दुबई, और मुख्यमंत्री कौन थे, तो लालू प्रसाद यादव थे। उसके बाद है वर्ष 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी क्या थे, किसके प्रतीक थे। 71 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था इन्हें। उसके बाद है जो कि आपको कोई सेल स्मारक है जो कि पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो ये 72 नंबर है, तो 72 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एलिवेड और बेलूर में। एलिवेड कहाँ, कर्नाटक, द्वार समुद्र नामक कृत्रिम झील के किनारे बसा हुआ है, जिसे संभवतः 9वीं सदी में राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। 12वीं शताब्दी में होयसल राजाओं ने इसे अपनी राजधानी बनाया। अगली 2 शताब्दी तक अपनी समृद्धि और वैभव के लिए विख्यात रहा। यह होयसेश्वर और केदारेश्वर में बेलूर पलार नदी के किनारे स्थित है। फिर सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसके का शासन था, 73 का क्या हो जाएगा, नंद वंश का शासन था। सिकंदर आक्रमण कब किया, 327-326 ईसा पूर्व में किया था, उत्तर भारत में नंद वंश घनानंद का शासन था। ग्रीक लेखकों ने इसे अग्रमीज एवं जेंटरमीज कहा था। उसके बाद 74, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में नीति निषेध तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होता था, क्वेश्चन है, तो 74 का जगह डी में आयरलैंड से प्राप्त हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया से क्या हुआ था, संवर्ती चुटी, कनाडा संघात्मक व्यवस्था, आयरलैंड से और क्या था, नीति निर्देशक तत्व के साथ राज्यसभा में मनोनयन था, पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिया गया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो 75 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा जो कि लगाया जा सकता है। यदि आरोप का अन्वेषण करने वाले या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो ऐसे संकल्प पारित किए जाने से तारीख से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। फिर भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो 76 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा, किस अनुच्छेद में, तो 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल सर्वसम्मति मत द्वारा होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तब उसे राष्ट्रपति की उपलब्धियां मिलती है, अन्यथा उसे राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। फिर हरिया क्षेत्र का मेला सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है, किस नदी के किनारे, तो 77 के गंगा के संगम पर किया जाता है। यह मेला सोनपुर में गंगा और नदी गंडक नदी के संगम पर आयोजित होता है। यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला पूरे 1 वर्ष तक चलता समाप्त है। यह मेला मुगलों के शासनकाल से आयोजित हो रहा होता आ रहा है। यह कार्तिक पूर्णिमा का दिन शुरू होता है। इसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। उसके बाद निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओंज जनजाति के लोग किस में कहाँ रहते हैं, 78 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पर ओंज, जारवा, निकोबारी, सेंटिवली, अंडमानी, सैंपेन आदि जनजातियाँ निवास करती है। गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल के हुआ था, कब हुआ था, तो 1916 के कलकत्ता अधिवेशन में बिहार प्रांत के प्रतिनिधि श्री शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आकर किसानों की दुर्दशा देखने का आग्रह किया था। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्षी विवरण मिलता है, 80 का शतपथ ब्राह्मण में, तो वेद के शतपथ ब्राह्मण में आर्यों द्वारा इस भूमि में आगमन तथा निवास का विवरण है। पूर्ववर्ती काल में विदेह एक क्या था, शक्तिशाली राजवंश की प्रतिष्ठा हुई, जिसके संबंध में कुछ रोचक उपाख्यान हमें पुराण से प्राप्त होते हैं। अब मैथ आ गया, एक नाव के धारा के विरुद्ध 7 किलोमीटर जाने में 42 मिनट, यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो धारा के विरुद्ध 4 बराबर क्या होगा, 7/2
42 × 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटे में, और धारा में जो कि दिशा का चाल क्या है, मान लीजिए एक्स हो गया 1/2 × x − 10 = 3, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, 1/2, 16 + 10 तो मतलब 13 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। सी फिर उसके बाद है जो कि दो समांतर पहिए की त्रिज्या है, जो कि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सही कर देता हूँ, ये 82 नंबर का। तो क्वेश्चन क्या है, 82 में दो दांतदार पहिए की त्रिज्या कितना है, 50 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर तथा दोनों आपस में सट कर चले, अधिक बड़ा पहिया 15 चक्कर लगाए तो छोटा पहिया है जो कि कितने चक्कर लगाएगा। तो क्या करना है, 50, इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा आपको, 150 हो जाएगा। तो 150 में 50 है जो कि 3 बार तथा 150 में 30 है जो कि 5 बार था, अर्थात बड़ा पहिया 3 चक्कर और छोटा पहिया 5 के समय के बराबर था, बड़ा पहिया 15 चक्कर लगाएगा, छोटा पहिया 5/3 × 15 = 25 चक्कर। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राशि का ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 83, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि उसे 28% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपया अधिक पर उधार दी गई राशि क्या होगी। तो 83 कैसे होगा, माना कि आर प्रतिशत दर हो गया, मूलधन हो गया पी, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, P × 3 × R/100। ब्याज बराबर P × 3, आर आर कितना है, आर प्लस क्या हो जाएगा, 2.5/100। तो इसको सोल्व करने से 72 रुपये डी हो जाएगा। फिर 84, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20% तथा 25% वृद्धि, तो परिणामी आयत का क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगा। तो मान लिया जाए कि आपको 10 है, ये भी 12 है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई है, लंबाई 12 है और ये 10 है, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो कितना बढ़ेगा इसका, तो 84 का आपको इसका ट्रिक ही बता देता हूँ। तो क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, 20 + 25 बढ़ा और प्लस क्या हो जाएगा, 20 × 25/100। इसको सोल्व करने 45 + 5 50% हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है और बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है, ए तथा सी का आयु का अंतर क्या हो जाएगा, इस तरह बनेगा। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 30 = 60, बी प्लस सी बराबर क्या, 2 × 26 = 52, ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी बराबर 60 − 52, ए माइनस सी 8 वर्ष हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो कि 45 सेंटीमीटर, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, तो इसका क्या आंसर होगा। तो इसका क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ नजर आ रहा है, इसको बता देता हूँ, 86 का क्वेश्चन क्या है, किसी तो चार रूट 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 लगा हुआ है इसमें, 45 नहीं, 4√3 सेंटीमीटर है। तो माना कि समबाहु त्रिभुज का भुजा ए है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 3/4 × भुजा² तो 4/√3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र दिया हुआ है, तो √3/4a² सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर दिया जाएगा। उसके बाद 87, किसी व्यापारी ने वस्तु अपने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर लेकर 75 रुपये में बेची, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो माना कि वस्तु का क्रय मूल्य है जो कि 100 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या, 1%, 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर 75 − x/x × 100। इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो 150 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। किसी 22 m × 20 m साइज वाली छत से वर्षा का पानी व्यास 2 मीटर तथा ऊंचाई 3.5 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन में, यदि बर्तन ठीक पूरा भर गया तो सेंटीमीटर में वर्षा क्या होगी। माना कि वृष्टि 1 सेंटीमीटर है, प्रश्न से क्या होगा, 22 × 20 × x बराबर क्या हो जाएगा, 22/r × 1² × 3.5 सॉल्व करने पर 2.5 सेंटीमीटर भी हो जाएगा। हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग 213 है जो कि दूरी से 60 डिग्री कोण पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई क्या होगी, ये आपको बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले क्या होगा, 10/60 डिग्री से निकलेगा ये, इसका आंसर क्या होगा, लगभग 13 मीटर आएगा। उसके बाद एक्स अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, उसे 8 दिन काम किया और छोड़े, शेष कार्य को अकेले बाई ने 16 दिन में पूरा किया, एक्स तथा बाई दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो
एक्स द्वारा 8 दिन में कार्य किया गया 8 बटे 40 मतलब 1/5 शेष काम क्या हो जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। जिस तरह सोल्व करने पर क्या जाए 13/3 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। कल से 1 दिन पहले से 1 दिन पहले शनिवार के बाद 3 दिन है तो आज का क्या दिन होगा तो शनिवार के 3 दिन बाद क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ईरान में, एक वृक्ष 1 वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 भाग के बराबर बढ़ जाता है 2 वर्ष पश्चात उनकी ऊंचाई कितनी होगी यदि उस समय उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है। ईरान में कैसे बढ़ेगा 1 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 64 + 64 मैंने 1/8 तो 64 72 हो जाएगा। 1 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 72 + 72 मैंने 1/8 72 = 81 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आ गया करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 3 दिवसीय है जो कि विशाल पक्षी गणना के दौरान पक्षियों की कितनी प्रजाति है जो कि पाई गई, तो कितनी पाई गई इसका आंसर, इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। इसमें लग सकता है तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो यह गणना वन्य जीव संरक्षण और लद्दाख पक्षी क्लब ने आयोजित की थी। लद्दाख क्षेत्र में लाल गले वाली सारिका और सुर मिला जल पक्षी पहली बार पाई गई थी। उसके बाद है जो कि अगला, हाल ही में किस राज्य में छिपकली एक नई प्रजाति अरवन बेंटोएड गेको की खोज की गई, तो 94 क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, असम में खोजा गया था। इस छिपकली का वैज्ञानिक नाम क्या सीरेटो डेक्टाइलस अर्बनस है। ये पहले खासी हिल छिपकली के समान माना जाता था, पूर्वोत्तर भारत की सभी बेंटोएड गेको को एकल प्रजाति माना था। असम का गुवाहाटी सर कई महत्वपूर्ण प्रजातियों का निवास है स्थान है। फिर 95 भारत के किस तारीख को भारत यूरो 6 मानक डीजल एवं पेट्रोल का उपयोग आरंभ किया जाएगा, तो 95 क्या हो जाएगा डी 1 अप्रैल को किया जाएगा। 1 अप्रैल 2020 को भारत यूरो 6 उत्सर्जन के अनुकूल ईंधन का उपयोग आरम्भ हो जाएगा। इस ईंधन को सबसे स्वच्छ ईंधन विकल्प के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही मुख्य सूचना आयुक्त तो नियुक्त किया गया है, तो क्या है विमल जुल्का को नियुक्त किया गया, पूर्व सूचना एवं प्रसारण सचिव विमल जुल्का को मुख्य सूचना आयुक्त तो नियुक्त किया गया है। विमल जुल्का फिलहाल केंद्रीय सूचना आयोग में बतौर सूचना आयुक्त तो सेवारत हैं। ये है 1979 के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। 97 भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने के लिए किस नाम से विशेष ट्रेन की शुरुआत की है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा श्री रामायण एक्सप्रेस। रामायण की थीम पर एक विशेष ट्रेन है जो कि 28 मार्च से लॉन्च होने जा रही है। IRCTC द्वारा जारी जानकारी के अनुसार भगवान राम से जुड़े स्थलों की सैर कराएगी यह ट्रेन 16 रातों 17 दिनों की यात्रा कराएगी। इस दौरान यात्री भगवान राम से जुड़े सभी पर्यटन स्थल का दौरा करेंगे जिन्हें भारत का रामायण सर्किट भी कहा जाता है। 98 राम मंदिर ट्रस्ट है जो कि का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे बनाया गया, तो महंत निरित गोपाल दास को सी हो जाएगा। और ये 19 फरवरी 2020 को जो कि बैठक हुई थी, नृपेंद्र मिश्रा को भवन निर्माण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महंत निर्माण में जिनका जन्म कब हुआ था, तो 1938 में मथुरा के कहौला गाँव में हुआ था। उन्होंने 12 साल की उम्र में वैराग धारण कर लिया था और अयोध्या आए थे महंत राम मनोहर दास से दीक्षित थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी 2020 को इस राज्य सरकार को अवैध रेत खनन को तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया है, तो क्या जगह डी है राजस्थान को दिया था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही के किस संस्थान का नाम स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है, तो क्या जगह ये हो जाएगा रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान को रखा गया है। तो ये रहे आपके 100 प्रश्न। तो आपको वीडियो कैसा लगा पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ आपने सुना, इससे ये 100 प्रश्न ही नहीं, इसे आपको 150 या 200 प्रश्न तैयार हो गए, तो आप पूरा अगर डिस्कशन सुनते हैं तो आपको काफी फायदा होगा। इसका PDF भी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय में PDF रहेगा, मान लीजिए अंग्रेजी में बनाना चाहते हो अंग्रेजी में बनाए। और ये जो दरोगा परीक्षा रद्द होने की जो ये चर्चाएं चल रही है, कहीं ना कहीं जो कि समर्थन मिल रहा है, लेकिन इससे डरना नहीं है। आपकी तैयारी चाहे कैंसिल हो या ना हो, आपको तैयारी करती रहनी पड़े, भले ही मन भटक सकता है, लेकिन क्योंकि जनरल तैयारी हो रही है, कंपटीशन पर निर्भर रहना काफी मुश्किल होता है, इसलिए आप तैयारी करते रहें। तो इसी के साथ धन्यवाद।